हिंदी साहित्य विषय रहा सिविल सेवा, क्वालिफाई किए इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, ज्वाइन किए, अभी ज्वाइन किए हुए, और इसी बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 6th रैंक इन्होंने हासिल किया, क्लैपिंग इनके लिए जोरदार। डीएम के पद पर नियुक्त थे, अब इलेक्शन के बाद 2 महीना और हैं यहाँ पर दिल्ली में, फिर उसके बाद एक जगह पूरा 1-1.5 साल ट्रेनिंग लिया सिविल सेवा का, कहाँ कहाँ भारत भ्रमण लोग कराते हैं, तो इनसे अनुभव जानिए। आशुतोष राय जी से और हिंदी साहित्य से यूपी लोक सेवा आयोग में इन्होंने 6th रैंक हासिल किया, आपके बीच है, आप इनसे पूछिए कि कैसे पढ़ते थे, कैसे लिखते थे, क्या टेस्ट देते थे, निबंध में कैसे लिखते थे, जीएस कैसे पढ़ते थे, है ना, तो आप डिटेल इनसे जानकारी लीजिए। आपके बड़े भाई हैं, आप उनके छोटे भाई बहन हैं, तो आप लीजिए इनकी जानकारी। आइए आशुतोष जी, तो एकदम क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक अंग्रेजी की किताबें पढ़ जाइए, सारे ग्रामर वगैरह अपने आप अच्छे हो जाएंगे, कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं, कहीं ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं। तो वही सेम चीज है, शुरुआत कैसे करें का आंसर ये है, एनसीईआरटी पढ़िए एकदम शुरू से। आपने हिंदी लिया हुआ तो कुछ सोचा होगा ना, कभी सुर तुलसी, जब भी आपने जिस क्षण आपने डिसाइड किया होगा कि हमको हिंदी साहित्य लेना है, तो कोई चीज आपने कंसिडर की होगी, उसके टीचर हैं कि नहीं, कॉपी मेरी चेक हो जाएगी कि नहीं, इसमें मैं बेहतर कर पाऊंगा कि नहीं, कविता कहानी मुझे याद रहेगी कि नहीं, तो ये चीजें आप सोचे होंगे ना, तब तो हिंदी साहित्य लिया होगा। तो जब लिया है तो शुरुआत एनसीईआरटी कुछ किताबें पढ़ी होगी, उपन्यास वगैरह, तो ऐसी चीजें हैं कि लोग तैयारी करने से पहले ही पढ़ते होंगे। आप लोग पढ़े तैयारी करने से पहले, कौन है जो तैयारी करने से पहले कम से कम 2 उपन्यास पढ़ा है तैयारी करने से पहले, 33% के आसपास। तो जो प्रारंभिक झुकाव है, प्रारंभिक जानकारी है एनसीईआरटी में, कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ से क्वेश्चन का अगर आंसर आपको लगे कि प्रॉपर तरीके से नहीं दिया गया है, दोबारा पूछ सकते हैं आप, या फिर बोल दीजिए कि हम सेटिस्फाइड नहीं है, दूसरे तरीके से बताइए। जैसे फिर इसके बाद स्टेप, हाँ, इसके बाद आप जब ये एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो साथ में आप जो भी आपके सिलेबस की बुक्स हैं, जैसे कि कहानी किताब प्रेमचंद की, ईदगाह कहानी है, चिमटा और हामिद वाली, वो आपने 10th में भी पढ़ी है, 9th में आप दोबारा पढ़ लेंगे। कहानी शुरुआत कीजिए, एकदम आसान है, कविताओं से, कबीर की साखियाँ जो हैं बचपन में पढ़ते थे, अभी थोड़ा सा उसका एक लेवल और ऊपर आ जाएंगे, उपन्यास है, गोदान वगैरह शुरू कीजिए पढ़ना, आप ही तो बच्चे नहीं हैं भाई। हम जब किसने किसने ईदगाह कहानी पढ़ी है, क्या ईदगाह कहानी आपने पहली बार पढ़ी थी 9th या 10th में, तब भी आपके अंदर वही भाव था जो अभी आपने पढ़ी है तो भाव था, कुछ अंतर आया है? उस समय हम पढ़ते थे सोचते थे वाह दादी और बेटे का कितना प्रेम था, अभी पढ़ते हैं ना दादी का कितना केयर था बच्चे को, ये पढ़ते हैं, अभी हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, अरे यार देखो गरीब का लड़का है तो कितना जल्दी मैच्योर हो गया, बच्चे के माता पिता नहीं है तो पालन पोषण की कितनी दिक्कतें आती हैं। जब हम बचपन में पढ़े थे वो कहानी तब ये था कि बच्चा कितना अच्छा है, अब हम सोचते हैं अब जब पढ़ते हैं इस स्टेज में आके यूपीएससी की तैयारी करने के दौरान, तो हम ये चीज सोचते हैं कि बच्चा बच्चे जैसा होना चाहिए, बच्चे को बड़े जैसा नहीं होना चाहिए, जो मैच्योरिटी है या ये जो भी चीजें हैं वो हामिद के लिए नहीं थी, हामिद के लिए अच्छा होता अगर वो झूला झूलता, उसके लिए अच्छा होता है अगर वो जलेबियाँ खाता, लेकिन मुझे पता है नहीं जलेबी खाने से फोड़े हो जाते हैं, झूला झूलने का क्या है, अभी झूलेगा फिर पैसे खत्म हो जाएंगे, वो जो उसकी दीनता है जो कातरता है उसकी, तो अभी का जो हमारा हामिद, अभी जो हामिद के हाउस पढ़ता हूँ नहीं वो गलत है, बच्चा गरीबी के चलते जल्दी मैच्योर हो गया, तो मन तो कचोटता है वो, दादी और वो जब साथ में मिल के गले लगता है, जब वहां से आके ईद वाले मेले से जब आके लौटता है तो फिर वो देखो वो क्या सीन रहता है, एकदम मन आंसू जैसे नहीं होता, मन में एकदम दुखी टाइप का लगता है, कहानी की शुरुआत करना किसी के जूते में फीते नहीं है, किसी के वो क्या है गरीबी का चित्रण है। चलिए नेक्स्ट, मेरी जितनी समझ है कि हिंदी साहित्य में जिन्होंने अच्छा किया जितने भी दिख रहे हैं, एक दो को छोड़ दो तो किसी का भी हिंदी साहित्य नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि और बढ़िया है, पता ना कि एक तो धोबी जो कपड़ा धोता है और एक जो नया आदमी कपड़ा धोता है, तो नया आदमी ज्यादा अच्छे से धुलेगा क्योंकि पहली बार धुला है ना वो, एकदम सोचा कोई भी वो ऐसे जैसे सभी धोरा वैसे धोएगा, तो इसका बेनिफिट ही बहुत है। जो भी व्यक्ति जो पेशेवर नहीं है वो उस काम को करता है तो पेशेवर से ज्यादा अच्छे से करता है, क्योंकि हिंदी साहित्य जो पढ़ा उसने बीए और एमए के हिसाब से किया, उसने बीए जो पास करना होता है 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं उसके हिसाब से किया, एससी का खेल दूसरा है, यहाँ पे संविधान का कितना पालन किया गया है अदृश्य है वो, मतलब
आपसे कहेगा नहीं कि आंसर मत दिखाइए, लिखा नहीं जाएगा, लेकिन आप अपने आंसर में ये शो करेंगे ये जो समस्या का मैंने समाधान बताया या जो मैंने वर्णन किया है, जो व्याख्या की है मैंने कविता की, उसमें संवैधानिक मूल्य कहाँ तक है, उसकी प्रासंगिकता आज कहाँ है, ये सब चीज़ें बीए में नहीं सिखाई जाती। यहाँ जो भी बताया जा रहा है मेरी समझ के अनुसार, मुझे जितने लोग मिले हैं, जो मैंने सीखा है उसके अनुसार है, तो हो सकता है मुझसे बेहतर आइडिया हो लोगों के पास और बेहतर किया हो लोगों ने, मैं वही बताऊँगा जो मुझे पता है, जो मैंने लिखा है, जो जाना है, जो मैंने, जैसे आप उधर बैठे थे, मैं भी उधर बैठा था, हमने जो सीखा है वो। चलिए नेक्स्ट। डिपेंड करता है, अगर टाइम है आपके पास तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, कम टाइम है तो पॉइंट वाइज लिखिए, दोनों में कोई पॉइंट वाइज में ना थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि मतलब उतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि क्वेश्चन आपको पॉइंट वाइज लिखने के लिए नहीं दिया गया, आपको ना इस चीज को समझाइए, जैसे कहीं भारत और अमेरिका के बीच को समझाइए तो सीधा पॉइंट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ काफी पहले से रिलेशन है, वर्ल्ड वॉर में ये था वो था, फिर रोनाल्ड रीगन से थी खतरे की लड़ाई में ऐसा था वैसा था, हर चीज पॉइंट में नहीं सकते। हाँ अगर टाइम कम है तो करेंगे तो पॉइंट भी लिखना पड़ेगा, तो अगर टाइम कम है तो पॉइंट भी लिखे, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, ये कई लोग बीच का रास्ता बनाते हैं, एक दो लाइनें उसमें कर दी फिर बाकी चीज़ें पॉइंट में टक, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, फिर परमाणु संबंधी चीज़ों में भारत अमेरिका में ये हुआ, फिर उसमें ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, फिर ये करेगा फिर पॉइंट पॉइंट, तो डिपेंड करता है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितने भी क्वेश्चन है वो हम कर सकें, सही से कर सकें और टाइम लिमिट के अनुसार कर सकें और मैक्सिमम इनरिच करने वाली चीज़ें हम डाल सकें। एक सिंपल लाइन लिखिए अमेरिका से हम हथियार लेते हैं, और ये लिखिए कि नहीं चिनू अपाचे हरक्यूलिस ये विमान हमने उनसे लिए, अमेरिका से लिए, थोड़ा अंतर आपका रखोगे ना लिखने से, ये बस नाम याद रखिए। रक्षा में हमारे कैसे संबंध है, चिनू को अंतरिक्ष में हमारे कैसे संबंध है, उसमें इसरो एक लिख लीजिए, नासा लिख लीजिए, अंग्रेजी जो ही लिखेगी आपको याद आ जाएगा कि नहीं मंगल ग्रह पे छोड़ा गया था तो अमेरिका ने उसको सपोर्ट किया था ऊपर में, ये जो पॉइंट है ऐतिहासिक क्या था, विरोध कहाँ कहाँ पे, सपोर्ट कहाँ कहाँ पे, कई जगह है कि भारत चाइना एक साथ है, जैसे कि WTO भारत चाइना एक साथ है, ऐसे 50 विरोध है, लेकिन WTO में जाएंगे तो ये दोनों एक साथ हो जाएंगे कि नहीं विकसित देश हमारे साथ ये गलत कर रहे हैं, विकसित देश हमारे साथ ये गलत कर रहे हैं। अच्छा एक तिब्बत का मामला आएगा तो भारत और यूएसए के हो जाएंगे कि नहीं तुम मानवता को उल्लंघन कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अगर जलवायु परिवर्तन की बात आए तो यहाँ पे भारत अमेरिका एक साथ, चाइना और भारत एक साथ आ जाएंगे कि नहीं हम विकासशील देश हैं हमें छूट मिलनी चाहिए जलवायु परिवर्तन की बात। और यहाँ पे अगर एशिया में शांति और ये सब दक्षिणी चीन सागर और ये सब चीज आएगी तो हाँ भारत अमेरिका नजदीक है, कई मुद्दे पे भारत पाकिस्तान भी कई बार एक जगह है, जैसे जलवायु परिवर्तन पे या तीसरी दुनिया की कोई बात आएगी तो भारत पाकिस्तान एक जगह रहेंगे, कहेंगे ना सार्क की बात आएगी तो एक जगह रहेंगे, कई जगह किसी का भी किसी से भी संबंध स्थायी अस्थायी नहीं, जैसे हित बदलते हैं वैसे वैसे इनके बदलते हैं जो भी संबंध है। तो नोट्स बनाने में आप ये पॉइंट अगर रखेंगे, ऐतिहासिक क्या है, डेमोक्रेसी पुरानी तुम्हारी है हमारी सबसे बड़ी है, विरोध कहाँ कहाँ पे है, 301 302 कॉपीराइट वाले पे है, हमारा पेटेंट कानून पे कई विरोध है जो नोवार्टिस ने किया था, कॉपीराइट वाले में याद होगा हाई कोर्ट का जो निर्देश था फोटोशेट की दुकानों पे फोटोशेट नहीं कर सकते किताबों का, यहाँ पे इन चीजों से विरोध है, जहाँ जहाँ विरोध के बिंदु वो लिख लो, WTO विरोध है क्योंकि आप बोलते हैं कि एग्रीकल्चर सब्सिडी आप ज्यादा नहीं दे सकते, हमारा गरीब देश है, हमने जब खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया तभी इनको दिक्कत थी, WTO में इनका ही प्रतिनिधित्व है, उसके लिए हम दूसरा युद्ध करेंगे, लेकिन कई जगह सपोर्ट भी है आतंकवाद पे, आतंकवाद है ना सपोर्ट, टेक्नोलॉजी पे, इसरो पे कई जगह सपोर्ट है, अमेरिका बड़ा एक व्यापारिक भागीदार है हमारा, निर्यात का काफी बड़ा हिस्सा वहां जाता है, विरोध कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, रक्षा पे क्या संबंध है, अंतरिक्ष में क्या हमारा उनसे संबंध है, प्रवासी भारतीयों से क्या संबंध है उनका, भाई उनके सांसद विधायक होते हैं कुछ हमारे यहाँ से जाके लोग, उनसे क्या संबंध है, रिपब्लिकन आते हैं तो क्या होता है, डेमोक्रेट्स आते हैं तो क्या होता है, चुनावी संबंधी प्रक्रिया उनके यहाँ क्या है, हमारे चुनाव कैसे प्रभावित करती है, वहाँ पे राष्ट्रपति ट्रंप नहीं चुना जाता, अगर क्लिंटन चुनी जाती तो उनसे क्या प्रभाव पड़ता है, ये एक पेज में आ जाएगा ना, हेडिंग तो सिर्फ एक पेज में आ जाएगी, लेकिन किताब में वो चीजें रहेंगी 7-8 पेज में मिनिमम, नोट्स जो टीचर लिखाएंगे कोचिंग में वो रहेगा 4 पेज में, और एक अपना बना लो आप एक पेज में, पॉइंट ही तो लिखने हैं, आप अंतरिक्ष लिख दिया तो आपको नासा और इसरो लिखने की जरूरत नहीं है, बच्चे आप तैयारी नहीं करते थे आप तभी आपको पता था कि नासा अमेरिका की संस्था है, पता था कि नहीं, तो नासा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप मंगल ग्रह आपको याद था कि वहाँ पर उन्होंने सपोर्ट किया था, अभी चंद्रयान हम छोड़ने वाले हैं 2020 या 21 में, उसमें नासा का सपोर्ट लेंगे, एक चंद्रयान का उदाहरण दे दिया, एक मंगल वाला उदाहरण दे दिया, अभी हमने एक अंतरिक्ष में पर्सनर्स जो हुआ उसमें भी अमेरिका ने विरोध किया है कि अंतरिक्ष को साफ सुथरा रखा जाए, तो देख अंतरिक्ष में यहाँ सपोर्ट भी है हमारा, कहाँ पे चंद्रयान पे और मंगल पे, विरोध कहाँ है,
आपने जो हथियार बनाए वो ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए, अंतरिक्ष में कूड़ा बन रहा है। तो अंतरिक्ष में भी सपोर्ट है विरोध है, कृषि में भी सपोर्ट है विरोध है। आपको पता है ना कि जब हमारा हरित क्रांति हुआ था, जब मेक्सिको से वो सब आया था, उसमें बीज वगैरह जितना भी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट होता है, कई लोग हमारे साइंटिस्ट हैं जो अमेरिका में जाते हैं, साइंस के क्षेत्र में काफ़ी मदद की हमारी उन्होंने अमेरिका ने, हम निर्भर हुए भले ही तो। और लेकिन एग्रीकल्चर सब्सिडी पर विरोध है, एक ही चीज़ पर सपोर्ट भी हो सकता है, एक ही चीज़ पर विरोध भी हो सकता है। अब कंक्लूजन क्या है, अमेरिका को अपना हित देखना है, भारत को अपना हित देखना है, अब उसी में जो बात चलती है वही राजनीति है, उसी के आधार पर टिका हुआ संबंध एक दूसरे से। भाई वो कहे परमाणु बम मत परीक्षण करो, हम कहेंगे नहीं करेंगे, कहे मत करो पटवा लगा देंगे, हम कहेंगे करेंगे, हम कर लिए उसको नाराज करके। हमारे इस तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ चाइना, हम नहीं करेंगे, हम ऐसे मर जाएंगे, हमको अपना भी तो देखना है, हमने कर लिया सारी की सारी बातें, अमेरिका को थोड़े मानेंगे। और बड़ी मुश्किल से मैच देने का मौका मिलता है, हो सकता है अगले 2 साल फ्री ना हो, है ना, तो ऐसे वाले काम क्यों करें। जो सेफ तरीका है कि सही पेपर पे सामान्य ध्यान दें, 250 नंबर का ऐसे भी है, 250 नंबर का फोर्थ पेपर भी है, 250 नंबर का जीएस भी है, तो फिर सभी पेपर पर ध्यान दें। एथिक्स पढ़ने से ज्यादा ना एथिक्स को जीने पे आप विश्वास करें, मतलब जो एथिक्स है क्या, मतलब दुनिया कैसे ज्यादा अच्छी बने, ज्यादा देश कैसे अच्छा बने, दुनिया कैसे अच्छी बने। पर आप निबंध देख लीजिए, आप ऐसे लिखेंगे कि जैसे बाल मजदूरी है, तो आप लिखिए सोहन सुबह उठा, शुरुआत ऐसे करते हैं ना कि एकदम हिल जाए जो परीक्षक है, सोहन सुबह उठा, उसने खूब सुंदर सुंदर कपड़े पहने, सफ़ेद रंग की शर्ट, नीले रंग की पैंट, खूब अच्छी नीले रंग की टाई, उसके बैग पे स्पाइडरमैन की फ़ोटो थी, बैग उसने कंधे पे लटकाया, उसकी मम्मी ने उसके बालों में कंघी की, आज सोहन कितना सुंदर लग रहा है, सोहन स्कूल की बस आई, सोहन गया, फिर बस में सारे बच्चे चहचहाते गए, उतरा क्लास में गया, क्लास में जब जाने लगा तभी उसको एक जोर का थप्पड़ पड़ा और वो नींद से जागा। सोहन सपना देख रहा था, सोहन कौन था, उस स्कूल की जो बिल्डिंग बना रहा था उसी मजदूर का लड़का। सपना देख रहा था, छोटा बच्चा था, मतलब भाई बच्चा है तो उसी स्कूल में उसके माता पिता बना रहे बिल्डिंग, चूंकि रहने की जगह है नहीं, बाहर से आए हैं, बिहार से, उड़ीसा से, झारखंड से, कहीं से भी आए हैं, वो उसी जगह बिल्डिंग बना रहे हैं, तो छोटा बच्चा वहीं सोया हुआ है और जगह हुआ है, वहीं सारे काम उसको करने हैं, तो देखता नहीं हुआ कि मेरे उम्र के बच्चे आते हैं बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहन के, ऐसे बताते हैं, मतलब सुना ही है। ऐसा नहीं है, अगर आप फैक्ट डालेंगे तो आपका क्वेश्चन ज्यादा इंरिच होगा, समृद्ध दिखेगा, और कोई भी कुछ ही बता दे जस का तस नहीं लेना, मेरा भी नहीं लेना, अपने से भी गुड़ना है, क्या वाकई ऐसा सही है। अभी आपको बताया था ना कि जब लिखना है कि अमेरिका से रक्षा समझौता है, अमेरिका से हमने हेलीकॉप्टर लिए हैं, सिंपल लिख दिया, और आपने लिखा कि अमेरिका से हमने चिनूक लिया है, जो कि जो भारत का जो चीता है वैसा काम करता है, दुर्गम स्थानों पर पहुंचा देता है, अमेरिका से हमने अपाचे लिया है जो आक्रामक हेलीकॉप्टर है, अमेरिका से हमने हरक्यूलिस लिया है जो रोहतांग और कहां कहां पहुंच जाएगा, हरक्यूलिस की क्षमता इतनी है कि उसमें ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये आ जाएगा। एक लड़के ने सिंपल लिखा कि हमने अमेरिका से हेलीकॉप्टर लिखे, और एक लड़के ने लिखा कि हमने हथियार का नाम तक लिखा, अपाचे लिया, ये लिया, ये लिया, इसके में जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और भारतीय BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भागीदार है, उन्होंने मिलकर ये तेजस को डेवलपमेंट करने में उसने ये टेक्नोलॉजी दी है, इसी का आप देखिए किसका क्वेश्चन ज्यादा आंसर, किसका आंसर ज्यादा अच्छा है दूसरे लड़के का, तो चाहे UPSC का अगर कॉपी चेक कराओ, चाहे UPSC कॉपी चेक कराओ, दोनों पे अच्छा प्रभाव रहेगा। अच्छी कॉपी हर जगह अच्छी है, बुरी कॉपी हर जगह बुरी, तो ऐसा कुछ नहीं, अच्छा लिखे और मेहनत अच्छी करो ना, मतलब पढ़ने ही तो आए, और तो कोई काम है नहीं, तो अलग कहीं भी काम चोरी से बचिएगा कि इसमें कम पढ़े तो हो जाएगा, इसमें कम पढ़े तो हो जाएगा, क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई और पढ़ेगा, है ना भाई। आप 55 क्वेश्चन करके आ गए कि बहुत है, हो सकता है कि 56, 57, 58 वाले बहुत हों, तो आपको समझ में आ जाएगा रिजल्ट आने के बाद। तो यह ना कि मैक्सिमम पढ़े, मैक्सिमम चीजें पढ़ें, और कहाँ
जी ना चुराइए, विश्वास कीजिए अभी आपकी उम्र 25 के आसपास होगी, 2-3 साल कोई ज्यादा होगा, 2-3 साल कोई कम होगा। तो अभी आपके पास एनर्जी है अच्छी खासी, दिल्ली जैसे शहर में है जहाँ पे लाइट नहीं कटती, अभी सबसे अच्छा समय है, पढ़ लीजिए और सिलेक्ट हो जाइए।